वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। गंगा में बड़ी संख्या में बहते शव किसी को भी झकझोर सकते हैं। हाल में उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक गंगा में ऐसे शव देखने को मिले। गाजियाबाद से लेकर कन्नौज, उन्नाव, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया जैसे जिलों से ये शव बहते आ रहे हैं। बिहार में भी कई जगहों से ऐसी खबरें हैं। जाहिर है ये शव उन शहरी या ग्रामीण इलाकों से ही नदी किनारे ऊपर ही ऊपर दफनाए या बहाए गए होंगे जो गंगा किनारे पड़ते हैं। कफन में लिपटी लाशें अगर बह रही हों, किनारे लग रही हों, अधजली हों, छत विच्छत हो चुकी हों, जानवर नोच रहे हों, तो इससे ज़्यादा विभत्स क्या हो सकता है। शवों को इस तरह बहाने दफनाने की घटनाएं मीडिया में आने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसका संज्ञान लिया। उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार को नोटिस जारी किए। आयोग ने जो सवाल पूछे और चिंता जताई वह तो ठीक है ही, लेकिन शवों की गरिमा और मानव अधिकारों का जो मुद्दा उठाया उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते बिहार के बक्सर जिले के चौसा में ऐसे ही 71 शवों को पोस्टमार्टम के बाद दफनाने की बात सामने आई थी। उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे पड़ने वाले जिलों के हालात तो और रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। कन्नौज में गंगा किनारे 350 से ज़्यादा, उन्नाव में 900 से ज़्यादा, गाजीपुर में 300, कानपुर में 400 से ज़्यादा शव नदी किनारे दफन मिले। सवाल है कि हाल में ही अचानक ऐसा क्यों होने लगा। माना जा रहा है कि ये शव उन लोगों के हैं जो कोरोना संक्रमित थे और इनके परिजनों की हैसियत अंतिम संस्कार का खर्चा उठाने की भी नहीं थी। कोरोना संक्रमितों के अंतिम संस्कार के लिए शमशानों में जिस तरह से लूट खसोट मची है, मोटी रकम ऐंठी जा रही है और घंटों कतार में लगना पड़ रहा है, वह किसी से छिपा नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जिन जिलों में यह सब देखने को मिल रहा है वे महामारी की चपेट में हैं। भले सरकारें कितने दावे क्यों न करती रहें कि ग्रामीण इलाकों में हालात काबू में हैं, इलाज के सारे बंदोबस्त हैं, लेकिन लाशों के ये ढेर असलियत उजागर करने के लिए काफ़ी हैं। अब इनमें ज़्यादा शक नहीं बचा है कि संक्रमण की जांच, इलाज से लेकर अंतिम संस्कार तक में सरकारों ने जो लापरवाही दिखाई ये शव उसी का नतीजा हैं। शवों की दुर्गति से विचलित मानवाधिकार आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मृतकों के अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए कानून बनाने का सुझाव दिया है। आयोग ने कहा कि शवों का सामूहिक अंतिम संस्कार या उन्हें सामूहिक रूप से दफनाना विधिसम्मत नहीं है, क्योंकि यह किसी भी मृतक के सम्मान और अधिकार का उल्लंघन है। लेकिन सरकारों को इससे कहाँ मतलब है। कहना बड़ा आसान है कि जो चला गया वह मुक्ति पा गया, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि
ये सब ऐसे कठोर सवाल भी छोड़ गए हैं जिनका जवाब एक न एक दिन सरकारों को देना ही पड़ेगा। संविधान का अनुच्छेद 21 सिर्फ जीवित व्यक्ति को ही गरिमा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार नहीं देता, बल्कि मृत व्यक्ति को भी वह समान रूप से यह अधिकार प्रदान करता है। मृतक के अधिकारों और गरिमा की रक्षा राज्य का कर्तव्य है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी सरकारें निष्ठुर हैं। कहते हैं लाशें नहीं बोलती, लेकिन आज लाशें ही बोल रही हैं। नए कृषि कानूनों के मसले पर शुरू हुआ आंदोलन अब तक जिस शक्ल में चल रहा है, उससे यह साफ है कि किसान आमतौर पर लोकतांत्रिक तौर तरीके से ही अपनी मांगों के पक्ष में प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि इस आंदोलन को लेकर सरकार का रवैया बहुत उदार नहीं दिखता है। पिछले कई महीने से न केवल किसानों और सरकार के बीच बातचीत बंद है, बल्कि कई मौक़ों पर सरकार ने आंदोलनकारियों के खिलाफ सख्त रवैया भी अख्तियार किया। नए कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर सरकारी उदासीनता के बीच किसानों के पास यही विकल्प बचता है कि वे विरोध प्रदर्शनों के जरिए सरकार को अपनी बात पर गौर करने के लिए कहें। लेकिन सरकारी तंत्र और नेतृत्व के भीतर इस समस्या को लेकर अपेक्षित जिम्मेदारी की भावना नहीं सामने आ रही है। उल्टे जब किसान लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों के जरिए सरकार को उसकी जिम्मेदारी की याद दिलाना चाहते हैं, तो उनके खिलाफ पुलिस बलों के सहारे दमन की कार्रवाई की जाती है। गौरतलब है कि रविवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री हिसार में एक अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे तो किसानों ने उनके दौरे का विरोध किया। उनका यह विरोध पूर्व घोषित था, इसलिए कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने प्रदर्शनों का स्वरूप लोकतांत्रिक बनाए रखने की कोशिश की थी। लेकिन तयशुदा कार्यक्रम निपटने और मुख्यमंत्री के चले जाने के बाद जब किसान प्रदर्शन कर रहे थे, तब अचानक ही वहां मौजूद पुलिस ने उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। नतीजतन किसानों की तरफ से भी पथराव हुआ। सवाल है कि ऐसी अराजकता की स्थिति न आने देने की जिम्मेदारी आखिर किसकी थी? किसानों ने एक दिन पहले अपने प्रदर्शन के बारे में घोषणा कर दी थी, लेकिन क्या सरकार की ओर से कोई नेता, अधिकृत अधिकारी या पुलिस अधिकारी ने इस मसले पर किसानों से बात करने की कोशिश की थी? पुलिस ने जिस तरह बेरहमी से किसानों पर लाठी चार्ज किया, क्या वह आखिरी विकल्प था? पुलिस और प्रशासन के उच्च स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी समय के अनुकूल विवेक का प्रयोग कर हिंसा की स्थिति को अधिकतम स्तर तक रोकने की भी होती है। विडंबना यह है कि किसी भी लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन में सरकार, प्रशासन और पुलिस आम तौर पर यह मानकर चलती है कि आंदोलनकारियों का दमन करना ही उनका प्राथमिक कर्तव्य है। यह एक परिपक्व लोकतंत्र का चरित्र नहीं होता है। आंदोलनकारियों को
पुलिस की हिंसा के जरिए चुप कराने की कोशिशें दीर्घकालिक शांति या समाधान का रास्ता नहीं निकाल पाती हैं। जहां तक नए कृषि कानूनों को ख़त्म कराने के मसले पर खड़े हुए किसानों के आंदोलन का सवाल है, तो इक्का दुक्का उदाहरणों को छोड़ दें तो अब तक इसका स्वरूप लोकतांत्रिक ही रहा है और आंदोलनकारियों ने अधिकतम संयम का परिचय दिया है। किसान नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर सरकार से बातचीत का सिरा कायम रखने की हर संभव कोशिश की है, लेकिन पिछले काफ़ी समय से किसानों और सरकार के बीच संवाद तक बंद है और दोनों में से कोई पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्या सरकार को यह नहीं लगता है कि अगर उसका पक्ष सही है तो वह संवाद के जरिए किसानों को सहमत करने की कोशिश करे, या फिर अगर किसानों की मांगों के पीछे तर्क ज़्यादा मजबूत है तो सरकार अपनी जिद पर पुनर्विचार करे। जो हो, लोकतंत्र का यह तकाजा है कि जनता अपनी ज़रूरतों और अधिकारों के लिए सरकार के सामने सवाल उठाए और उस पर गौर करना सरकार की जिम्मेदारी है। स्टॉप।